इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में हाई सब अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के दमोह में साबिल होकर आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने राजस्व निरीक्षक को 5,000 रुपए की यह रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किए जाने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की थी। जानकारी के अनुसार दमोह तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक मनीराम पुत्र भग्गू गौड़ उम्र 52 ने जबलपुर नाका निवासी पंकज पुत्र स्वतंत्र कुमार जैन 39 वर्ष से उनकी जमीन के सीमांकन के लिए 10,000 की रिश्वत की मांग की थी और पहली किश्त के रूप में 5,000 देने को कहा था, जिसकी शिकायत पंकज ने सागर लोकायुक्त से की थी। टीम ने मामले की जांच की और सही पाया। इसके बाद टीम ने एक योजना बनाई और पंकज को आरआई की शर्त के अनुसार पहली किश्त के रूप में 5,000 देकर भेजा। जैसे ही राजस्व निरीक्षक ने रिश्वत लेने के लिए हाथ बढ़ाया, टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर यादव के निर्देशन में निरीक्षक मंजू सिंह, अभिषेक वर्मा एवं उनके सहयोगी आशुतोष व्यास एवं अन्य के द्वारा सोमवार को दमोह पहुंचकर आवास में ही 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी दमोह में कई रिश्वत के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में सागर लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी देवेंद्र पटेल को प्लाट की नपाई के लिए 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।